इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई ने 4 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। समाजवादी छात्र सभा के अवनीश यादव ने अध्यक्ष पद पर और चंद्रशेखर चौधरी ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। वहीं एबीवीपी के निर्भय कुमार द्विवेदी ने महामंत्री के पद पर विजय प्राप्त की। छात्र सभा चुनावी मैदान में समाजवादी छात्र सभा के 4 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई, जबकि 1 सीट एबीवीपी के खाते में गई। वहीं सपा छात्र सभा की जीत के बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जश्न मनाया। इस मौके पर अवनीश यादव ने कहा कि यूनिवर्सिटी चुनाव में छात्रों की जीत ने केंद्र और राज्य सरकार को करारा जवाब दिया है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मैसेज जाएगा कि आज के भी समय में जो उत्तर प्रदेश का नौजवान है माननीय अखिलेश यादव को पसंद करता है और उनके दिलों में अखिलेश यादव बसते हैं, जो इस समय की वर्तमान प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार को नौजवानों ने अपने दिलों से उतार दिया, जिस भरोसे के साथ उत्तर प्रदेश के लोगों ने केंद्र की और प्रदेश सरकार को वोट देकर भारी महुमत से बीजेपी नेता जो पतन का दौर शुरू हो गया है। और मैंने अपने दस्ता भाषण में कहा था कि नारायण जी उस दिन जेपी नारायण की पूरी थी, मैंने कहा था कि जब नौजवान इलाहाबाद क्रांति उन्होंने किया था नौजवानों के दम पर पूरे प्रदेश हिंदुस्तान की सरकार को नेस्तनाबूद किया था, और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इस क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को मिलाने काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नौजवान कितनी सीट जीते 5 में से 4 सीट का उन्होंने जीता है और उनको जवाब दिया समाज छात्र सभा ने 4 सीटें जीती है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सांस्कृतिक मंत्री प्रकाशन। गौरतलब है कि शनिवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी। इसके नतीजे चुनाव अधिकारी ने देर शाम को ही जारी किए। बहरहाल छात्र संघ चुनाव में सपा छात्र सभा की इकाई को इतनी बड़ी जीत मिलने के बाद उनका मनोबल काफी बढ़ गया है। इलाहाबाद से सैयद रजा की रिपोर्ट।